हेलो एवरीवन, कैसे हो? मेरा नाम है पुष्पेंद्र, आप देख रहे हो पेंटेक। तो आज का वीडियो खासकर वो नए यूट्यूबर्स के लिए जो अभी भी चैनल स्टार्ट किया है लेकिन उसके पास नया माइक लेने का बजट नहीं है। तो मैं आज वही प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ कैसे बहुत ही कम खर्चे में एक ईयरफोन की मदद से बढ़िया माइक कॉलर माइक बना सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, वीडियो को लास्ट तक देखो तो आप भी इसे घर में बना सकते हो। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी दूंगा कैसे इस माइक्रोफोन की वॉइस को प्रोफेशनल माइक की तरह इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम लेते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आपको एक पुराने हेडफोन लेना है, उसके अंदर से तीन चीज़ों को निकाल लेना है। एक तो होगा उसका ऑडियो जैक, दूसरा माइक्रोफोन और तीसरा उसका क्लिप को। एक और पतला सा लंबा है जो आपको किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान से मिल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक पुराने हेडफोन ले लिया। तो चलो इसे कटर की मदद से काट के इसका जैक को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने इस जैक को निकाल लिया और यहाँ पर आपको ऑडियो जैक के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते चलिए। यहाँ पर यह वाला हिस्सा माइक का है और यह वाला ग्राउंड का है। तो चलिए आप डायग्राम के अंदर अच्छे से समझते हैं, ये वाला माइक का है, ये वाला ग्राउंड का है और ये दो लेफ्ट और राइट साउंड के लिए है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग माइक्रोफोन बना रहे हैं तो माइक और ग्राउंड को इसे वायरिंग करेंगे और लेफ्ट और राइट पिन को ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों वायर व्हाइट है तो उसके लिए हम मल्टीमीटर से चेक करके एक वायर को मार्क कर लेंगे। तो उसके लिए पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना होगा। मैं तो फिलहाल दोनों ही वायर सफ़ेद ले आऊँ, आप चाहो तो दो अलग अलग कलर की वायर ले सकते हो। दोस्तों आप लोग ब्लैक वायर ले सकते हो, माइक के साथ ब्लैक वायर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये वायर एक ही है, मल्टीमीटर पर रेटिंग आ रहा है। तो चलिए इस वायर की दोनों तरफ मार्कर से मार्क कर लेते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह से मार्क कर लिया। यहाँ पर ऑडियो जैक के साथ वायर को जोड़ लेंगे। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है जिस वायर के साथ माइक वाला पिन को जोड़ेंगे उस वायर को ही माइक का पॉजिटिव पर जोड़ना होगा और ग्राउंड वाला पिन के साथ माइक का नेगेटिव को जोड़ना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिए, से माइक और ग्राउंड का पिन के साथ ही यहाँ पर सोल्डिंग करना है और बाकी का पिन को छोड़ देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने पुराने किसी पेन से कैप ले लिया, अब इस तार को पीछे से डालकर यहाँ पर एक गांठ लगा लेना है। आप चलो इस माइक को वायर के साथ सोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है मार्क किया हुआ वायर को प्लस के साथ और दूसरे वायर को माइनस के साथ सोल्डिंग करना है। तो चलो फिर इसे फटाफट सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग हो गया, अब इसको पेन की कैप के अंदर डाल देते चलो। देख सकते हो यहाँ पर ये अच्छे से बैठ गया है। और इस तरफ जैक को भी प्लास्टिक के मदद से कवर कर लेंगे। और ये भी अच्छे से फिट हो गया। और दोस्तों आपको एक कपड़े का टुकड़ा लेना है इस तरह का यार को फिल्टर करने के लिए। इसको इस तरह से माइक के ऊपर डालकर धागे की मदद से टाइटली बांध देना है।
दोस्तों एयर को अच्छी तरह से फिल्टर करने के लिए आप फोम का भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों आप कैंची की मदद से इसका एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। दोस्तों यह बात थोड़ा ध्यान से करना, कपड़े के साथ वायर को मत काटना। तो देख सकते हो लगभग कंप्लीट हो गया, आप सिर्फ क्लिप को लगाना है। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया क्लिप है, मैंने इस क्लिप को किसी हेडफोन से ही निकाला। दोस्तों इस क्लिप को लगाना बहुत ही आसान है, बस तार को इस तरह से यहाँ पर फंसा देना है, बस ये हो गया। बहुत ही कम खर्च में एक शानदार माइक्रोफोन रेडी हो गया। तो चलो फिर से टेस्ट करके देखते हैं कैसे वर्क करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो माइक्रोफोन एकदम रेडी, तो चलिए आप इसे कैमरा पर लगाकर टेस्ट करते हैं। हेलो हेलो, तो देख सकते हो कितना बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो वीडियो पसंद है जो लाइक करना, इस चैनल पे नया जो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप चलिए बात है वन स्टेप को, इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा काइन मास्टर। तो चलो फिर सिंपली काइन मास्टर को ओपन करके उसी वीडियो क्लिप को ले लेते हैं टाइमलाइन पर। अब दोस्तों वीडियो को सिलेक्ट करके सेटिंग पर जाके एक्स्ट्रा ऑडियो कर लेना है। फिर ऑडियो को सिलेक्ट करके थ्री डॉट पर जाके एक डुप्लीकेट लेयर लेना है। और दोस्तों वीडियो लेयर को जितना हो सके जूम करना है और नीचे वाले ऑडियो को 5x6 तक पीछे कर देना है। तो दोस्तों चलिए आप जूम को घटाकर नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद ऊपर वाले ऑडियो लेयर को सिलेक्ट करके इक्वलाइजर पर जाके इसको बेस बूस्टर पे फिट कर देना है। और नीचे वाले ऑडियो लेयर को सिलेक्ट करके सेटिंग पर जाके इसका डार्किंग मोड ऑन कर देना है। और इसे भी इक्वलाइजर पे जाके बेस रिड्यूसर पे सेट कर देना है। हेलो हेलो, तो देख सकते हो कितना बढ़िया से वर्क कर रहा है। तो वीडियो पसंद है जो लाइक करना, इस चैनल पे नया जो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो आप चलिए बात है वन स्टेप को, इसके लिए आपको ओपन करना पड़ेगा काइन मास्टर।